देवी सूक्त जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, तीन नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंगन, खनकाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भक्त को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वो मेरी शक्ति से ही खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वो मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्मत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध कराती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ।